subscribe our channel and press the bell icon so that you will never miss any update. Hi friends, welcome to Jyoti's Kitchen Recipe. आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट मोदक, जिसे विशेष तौर पर गणेश उत्सव के टाइम पर बनाया जाता है, जो कि बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ ले रही हूँ 150 ग्राम फ्रेश कोकोनट, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 250 ml मिल्क, हाफ कप चीनी, एक चम्मच घी, 4-5 इलायची जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है। चलिए अभी से बनाना शुरू करते हैं। हमारा पैन गर्म हो गया है, ले लेते हैं, कोकोनट डाल देंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे। कोकोनट को घी में रोस्ट करने से इसकी नमी चली जाएगी और इसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ अगर हम घी में रोस्ट करते हैं तो हम उसे लंबे समय तक रख सकते हैं। ये देखिए, हमें इसे हल्का ही रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं। देखिए हमारा कोकोनट रोस्ट हो चुका है, हमने लगभग इसे 2 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर रोस्ट किया है, इससे इसका कच्चापन चला गया। चलिए अब इसमें मिल्क ऐड कर देते हैं। और इसे मिल्क के साथ अच्छी तरीके से पका लेंगे, बीच बीच में चम्मच चलाते रहें, इसे मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकने दें। ये देखिए नारियल ने दूध को काफ़ी हद तक सोख लिया है और ये इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है। चलिए इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी डालेंगे, कूटी हुई इलायची डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से पकने देंगे ताकि चीनी हमारे नारियल और दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अभी हमारी चीनी मेल्ट होगी तो ये हल्का सा लिक्विडी हो जाएगा, हमें इसे 3-4 मिनट और पकाना होगा जब तक ये अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए। ये देखिए हमारी चीनी घुल गई है, जिससे ये हल्का सा लिक्विडी हो गया है। अब हमें इसे सूखने तक पकाना है। ये देखिए चीनी, कोकोनट और मिल्क अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं, हमें इसे थोड़ा सा और पकाना होगा, हमें इसे ड्राई कंसिस्टेंसी में लाना है जिससे हम अपने मोदक बना सकें। हम इसे लगभग 1 मिनट और पका लेंगे। ये देखिए ये एकदम ड्राई हो चुका है, हमें इसे इसी कंसिस्टेंसी में लाना था। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, अभी ये बहुत गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसके मोदक बना लेंगे। हमारा मिश्रण ठंडा हो चुका है मोदक बनाने के लिए। मोदक बनाने के लिए हम इस तरीके से मोदक का मोल्ड यूज़ करेंगे। आप इसे घी से ग्रीस कर लें और इसमें इस तरीके से अपने स्टफिंग को हम डाल देंगे, अच्छे तरीके से पैक करें। इसे इस तरीके से दबाकर एक्स्ट्रा निकाल देंगे। अब इसे इस तरीके से ओपन कर लें। ये देखिए हमारा मोदक तैयार है। चलिए बाकी मोदक भी इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। लीजिए हमारे कोकोनट मोदक तैयार हैं। आप भी इसे ट्राई कीजिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।